नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव, खीर से दूर होंगे दुष्प्रभाव। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और उस पर दूसरे ग्रहों के प्रभाव के आधार पर इस बात की गणना करना बहुत आसान हो जाता है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। सिरदर्द व मस्तिष्क पीड़ा, जन्म कुंडली में अगर चंद्र 11, 12, 1 या 2 भाव में नीच का हो और पाप प्रभाव में हो या सूर्य अथवा राहु के साथ हो तो मस्तिष्क पीड़ा रहती है। डिप्रेशन या तनाव, चंद्र जन्म कुंडली में 6, 8, 12 स्थान में शनि के साथ हो, शनि का प्रभाव दीर्घ अवधि तक फल देने वाला माना जाता है तथा चंद्र और शनि का मिलन उस घातक विष के समान प्रभाव रखने वाला होता है जो धीरे धीरे करके मारता है। शनि नसों का कारक होता है। इन दोनों ग्रहों का अशुभ स्थान पर मिलन डिप्रेशन का कारण बनता है। भय या घबराहट, चंद्र व चतुर्थ भाव का मालिक अष्टम स्थान में हो, लग्नेश निर्बल हो तथा चतुर्थ स्थान में मंगल, केतु, व्ययेश, तृतीयेश तथा अष्टमेश में से किन्हीं 2 ग्रह या ज्यादा का प्रभाव चतुर्थ स्थान में हो तो इस भयानक दोष का प्रभाव व्यक्ति को दंश की तरह चुभता रहता है। चतुर्थ स्थान हमारी आत्मा या चित्त का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इस स्थान के पाप प्रभाव में होने पर उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे मन व आत्मा पर पड़ता है। मिर्गी के दौरे, चंद्र राहु या केतु के साथ हो तथा लग्न में कोई वक्री ग्रह स्थित हो तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। पागलपन या बेहोशी, चतुर्थ भाव का मालिक तथा लग्नेश पीड़ित हो या पापी ग्रहों के प्रभाव में हो, चंद्रमा सूर्य के निकट हो तो पागलपन या मूर्छा के योग बनते हैं। इस योग में मन व बुद्धि को नियंत्रित करने वाले सभी कारक पीड़ित होते हैं। चंद्र लग्न व चतुर्थेश, इन पर पापी प्रभाव का अर्थ है व्यक्ति को मानसिक रोग होना। आत्महत्या के प्रयास, अष्टमेश व लग्नेश वक्री या पाप प्रभाव में हो तथा चंद्र के तृतीय स्थान में होने से व्यक्ति बार बार अपने को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर तृतीयेश व लग्नेश शत्रु ग्रह हो, अष्टम स्थान में चंद्र अष्टमेश के साथ हो तो जन्म कुंडली में आत्महत्या के योग बनते हैं। जानिए कि कैसे होता है चंद्र खराब। घर का वायव्य कोण दूषित होने पर भी चंद्र खराब हो जाता है। घर में जल का स्थान दिशा यदि दूषित है तो भी चंद्र मंदा फल देता है। पूर्वजों का अपमान करने और श्राद्ध कर्म नहीं करने से भी चंद्र दूषित हो जाता है। माता का अपमान करने या उससे विवाद करने पर चंद्र अशुभ प्रभाव देने लगता है। शरीर में जल यदि दूषित हो गया है तो भी चंद्र का अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। ग्रह कलह करने और पारिवारिक सदस्य को धोखा देने से भी चंद्र मंदा फल देता है। राहु केतु या शनि के साथ होने से तथा उनकी दृष्टि चंद्र पर पड़ने से चंद्र खराब फल देने लगता है। चंद्र दोष दूर करने के उपाय, प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय, वट वृक्ष की जड़ में पानी डालें, चारपाई के चारों पायों पर चांदी की कीले लगाएं, शरीर पर चांदी धारण करें, व्यक्ति को देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए, रात्रि के समय घूमने फिरने तथा यात्रा से बचना चाहिए, पूर्णिमा के दिन शिवजी को खीर का भोग लगाएं। द्वितीय भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय, मकान की नींव में चांदी दबाएं, माता का आशीर्वाद लें। तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा का उपाय, चांदी का कड़ा धारण करें, पानी दूध चावल का दान करें। चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा का उपाय, चांदी चावल व दूध का कारोबार न करें, माता से चांदी लेकर अपने पास रखें व माता से आशीर्वाद लें। घर में किसी भी स्थान पर पानी का जमाव न होने दें। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बेईमानी और लालच न करें, झूठ बोलने से परहेज करें। 11 सोमवार नियमित रूप से 9 कन्याओं को खीर का प्रसाद दें। सोमवार को सफेद कपड़े में चावल मिश्री बांधकर बहते पानी में प्रवाहित करें। छठे भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय, शमशान में पानी की टंकी या हैंडपंप लगवाएं, चांदी का चौकोरड़ा अपने पास रखें, रात के समय दूध ना पिएं, माता सास की सेवा करें।
सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय। पानी और दूध का व्यापार ना करें, माता को दुख ना पहुंचाएं। अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय। शमशान के नल से पानी लाकर घर में रखें, छल कपट से परहेज करें, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते रहें, श्राद्ध पर्व मनाते रहें, कुएं के ऊपर मकान न बनाएं, मंदिर में चने की ढाल चढ़ाएं, व्यभिचार से दूर रहें। नवम भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय। धर्म स्थान में दूध और चावल का दान करें, मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, बुजुर्ग स्त्रियों से आशीर्वाद प्राप्त करें। दशम भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय। रात के समय दूध का सेवन ना करें, मुफ्त दवाई बांटें, समुद्र वर्षा या नदी का पानी घर में रखें। एकादश भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय। भैरव मंदिर में दूध चढ़ाएं, सोने की सलाई गर्म करके उसको दूध में ठंडा करके उस दूध को पिएं, दूध का दान करें। द्वादश भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय। वर्षा का पानी घर में रखें, धर्म स्थान या मंदिर में नियमित सर झुकाएं। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।